परिवार के एक साथ घूमने के हॉलिडे पैकेज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने वाली दुनिया की सबसे पुरानी ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी थॉमस कुक का सफर अचानक थम गया है। कंपनी बंद हो गई है और इस शटडाउन के साथ जहां दुनिया भर के होटलों में बुकिंग कराने वाले करीब 6 लाख पर्यटक फंस गए हैं, तो वहीं 22,000 कर्मचारी भी एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। तो क्यों आ गई कंपनी बंद करने की नौबत, इसके जवाब के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। दुनिया की सबसे पुरानी ब्रिटिश कंपनी थॉमस कुक पर ताला लगने के बाद ये सवाल हर तरफ उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 178 साल पुरानी कंपनी को एक झटके में बंद कर दिया गया। दरअसल कंपनी लंबे वक्त से भारी कर्ज में डूबी हुई थी, जिसके चलते रविवार को वो दिन आ गया जब कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। दुनिया की सबसे पुरानी ट्रेवल कंपनी थॉमस कुक की स्थापना 1841 में ब्रिटेन के नागरिक थॉमस कुक ने मार्केट हार्बोरफ में की। 1892 में थॉमस के कारोबार को बेटे जॉन मैकिन कुक ने संभाला। 1948 में ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस दौरान थॉमस कुक भी बिकने के कगार पर थी, तो सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। 1955 में थॉमस कुक इंटरनेशनल हुई और लंदन से पेरिस के लिए ट्रिप का ऐलान किया। पहली बार किसी कंपनी ने हॉलिडे पैकेज की पेशकश की, जिसमें यात्रा के साथ साथ रहने और खाने का भी इंतजाम था। 1972 में थॉमस कुक फिर से निजी हाथों में आ गई। कंपनी को मिडलैंड बैंक, हॉटलियर ट्रस्ट हाउस फोर्ट और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने खरीद लिया। एक जर्मन कंसोर्टियम ने 1992 में थॉमस कुक ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया। 2001 में जर्मन कंपनी C&N टूरिस्ट एजी ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर थॉमस कुक एजी हो गया। यहां तक कंपनी का सफर थोड़े उतार चढ़ाव के साथ अच्छा चलता रहा, लेकिन 2007 के बाद इसके पतन की शुरुआत हो गई। 2007 में थॉमस कुक और यूके बेस्ड पैकेज ट्रेवल कंपनी माई ट्रेवल का विलय हुआ, जो बेहद गलत कदम साबित हुआ और उसके पतन की शुरुआत हुई। थॉमस कुक कर्ज के बोझ तले दब गई, जिससे उबर नहीं पाई। एक नई कंपनी जेट टू हॉलीडे से उसे तगड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने लगी। थॉमस कुक ने चीन की इन्वेस्टमेंट कंपनी फोसन के साथ 1.1 अरब डॉलर की रेस्क्यू डील की, मगर ये भी इसे नहीं बचा पाई। कंपनी पर 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसे वो चुका नहीं पाई। थॉमस कुक को सबसे ज्यादा इंटरनेट ने डुबोया। दुनिया में किसी भी अनजानी लोकेशन पर जाने के लिए आपको सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए ढेरों साइट सक्रिय हैं। इन वजहों से आखिरकार 178 साल पुरानी कंपनी बंद हो गई। वहीं थॉमस कुक के डूबने से एक झटके में 22,000 लोगों की नौकरियां भी खतरे में आ गई। अकेले ब्रिटेन में 9,000 लोगों की नौकरियां किसी भी वक्त जा सकती हैं। दुनिया की सबसे पुरानी टूर एंड ट्रेवल कंपनी के बंद होने से दुनिया भर में 6 लाख यात्री फंसे हैं। वहीं कंपनी पर ताला लगने से भारत के पर्यटन सेक्टर को भी नुकसान होगा। भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या बुरी तरह से प्रभावित होगी, जिससे आने वाले महीनों में देश की विदेशी मुद्रा आय पर बुरा असर पड़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।